TVS Ntorq. ईको और पावर, ये तो TVS की हर गाड़ी में रहता है और इसमें स्पोर्ट्स मोड है। ठीक है, फर्स्ट इम्प्रेशन वाह अच्छा है। ये कैसा फील हो रहा बोले को, मेरे पास यमहा रे थी से हैंडल डाला था, वही फीलिंग मिल रहा है। अच्छा है। वॉक अराउंड अभी इधर से टीवी शोरूम जाना, कैटलॉग लेना क्या क्या है नहीं है, तो चलो चलो। पूरा पसीना छूट रहा है, 30 पर 1 डिग्री है। हेलो, हाँ मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मिल गया मिल गया मिल गया, चलो चलते हैं घर। डिमर डिपर एक्स्ट्रा और एक है उसमें, देख लो एज नॉर्मल। तुम्हारा इंडिकेटर स्विच ये कटआउट करने के लिए इंडिकेटर को, और हॉर्न, सेल्फ स्टार्टर, लाइट ऑन एंड ऑफ, इंजन किल स्विच। ठीक है, और ये मुझे बहुत पसंद लगा कि ये तुम्हारा छोटा ये वाइजर एरोडायनामिक शेप में ही है, अच्छा है। सेंटर स्टैंड मिलेगा स्प्रिंग लोडेड, साइड स्टैंड क्रीम वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, एकदम डिसेंट है। और मेन इसमें पूरा ब्लैक है, चंद चीज़ें वाइट है, बोले कि बोले तो तुम्हारा ये मड गार्ड, ये पोर्शन, और ये इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर्स भी हैं, कार्बन फाइबर फिनिश, चोक और ये ब्रेक, और बड़े गाड़ियों जैसा एक सपोर्टेबल नॉब, स्मार्ट जोनेक्ट फ्रंट शेप जैसे कि तुम्हारा डीओ जैसी है लाइट से, और ये शेप यमहा रे जैसी है, ये शेप यमहा रे जैसा ये कंपार्टमेंट। हेलो तनवीर पाशा, इसका नाम गाड़ी का ओनर तनवीर पाशा है, और ये स्ट्रीट मोड में है। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में है अभी, बेस्ट लैप स्ट्रीट मोड, वही तुम्हारे को स्पोर्ट्स मोड, स्ट्रीट मोड, और लैप्स का काउंट कर सकते हैं, कितने टाइम में कितना तुम्हारा कवरेज होता है, डिस्टेंस वो भी है, इंजन का टेम्परेचर और फ्यूल, तुम्हारा मेन स्पीड रीडर, और ट्रिप इधर टाइम 74 किलोमीटर चलिए ऐसा हिसाब है, और इसके पीछे थोड़ा खोजना पड़ता है क्या क्या है नहीं है, अभी टाइम नहीं है, गाड़ी देना है। और यहाँ का एक लुक देख लो, हमारे को 6 कलर्स मिलते हैं। ठीक है, कलर्स में 2 वेरिएंट हैं। ठीक है, एक मैट सीरीज और मेटालिक सीरीज। तुम्हारे को मैट सीरीज में येलो, वाइट
और रेड, और मेटालिक सीरीज में ग्रे, रेड और ब्लू, ठीक है। इधर है इंजन टाइप 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड OHC, डिस्प्लेसमेंट 129.79 cc, ठीक है, 125 cc वैसा आता है। मैक्स पावर 6.9 kW एट 7500 rpm। उसके बाद मैक्स टॉर्क 10.5 Nm एट 5500 rpm। बैटरी 12 watts की। हेडलैम्प 35x35 WHS-1 और फ्रेम हाई रिजिडिटी अंडर बोन रेक्टेंगुलर ट्यूब टाइप, वही ट्यूब टाइप तुम्हारा एक्टिवा जैसा टाइप आके रहते हैं। व्हील बेस 1285 mm, ग्राउंड क्लियरेंस तुम्हारा 150/5 mm तुम्हारा ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को और ज़मीन को 150/5 mm। गाड़ी का ओवरऑल वेट है 116 kg और 100 g। सस्पेंशन बोले तो सामने का आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जो तुम्हारा रे में दूसरे गाड़ी में दूसरे जो भी गाड़ियाँ आ रहे हैं टेलीस्कोपी आ रहे हैं तुम्हारा। और टायर्स तुम्हारा टायर्स 12 इंच के ट्यूबलेस है, तो थोड़ा वेरिएशन रहेगा सामने का कि तुम्हारा ट्यूबलेस 100x80x12, ठीक है, 100x80x12, और पीछे का 110x80x12, 110x80x12। ब्रेक सामने वाला डिस्क सिंगल सिलेंडर्स, फ्यूल टैंक 5 लीटर का, एयर फिल्टर, राइट पेपर और फोम पैक। ये हुआ तुम्हारा गाड़ी का स्पेक्स, इंजन, ब्रेक्स, चाकोब्लर, टायर। और इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा बोले तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, नेविगेशन है, कॉलर आईडी है, लास्ट पार्क लोकेशन असिस्ट बोले तो लास्ट टाइम कहाँ आप पार्क करके हैं गाड़ी वो तुम्हारे वो जगह आपको वो दिखा के देगी लास्ट कहाँ पार्क किया। राइड स्टैट्स शेयर, कोई सोशल मीडिया में जो भी तुम्हारा शेयर कर सकते हो वो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो ऐप मिलता है आपको वो ऐप डाउनलोड करना है। और तुम्हारा बहुत सारे हैं इधर फीचर्स देखो, बहुत सारे हैं, एक एक करके बोल दिया था। और पास बाय स्विच में बोलो ना वीडियो में एक एक्स्ट्रा देखे वो पासिंग है लेफ्ट साइड देखे, ठीक है। और किल स्विच है, इंजिन किल स्विच, लार्ज व्हील्स और 12 डायमंड कट, वही मैग व्हील आपको एल्यूमिनियम में कट होके डायमंड कट होके तो जो भी स्टाइलिश है। और फुल साइज हेलमेट बैठता है आपको डिक्की के अंदर, और इसमें चार्जर भी है, और डिक्की तुम्हारे को ओपन करने बाद आपको लाइट भी मिलेगा। USB चार्जर है, जेट स्टाइल एक्सटर्नल फ्यूल फिल, पीछे वाला जो फ्यूल फिल करने वाला जो ढक्कन ढकना जो भी है कैप वो जेट स्टाइल में बोल रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एवर डायमंड कट अलॉय व्हील्स, और इसमें स्कूटर में फर्स्ट टाइम तुम्हारे को टेम्परेचर मिल रहा है, गाड़ी का जो जितना भी हीट मारता वो तुम्हारे को इधर दिखा देता है, इंडिकेट करता रहता। और तुम्हारे को बस और कुछ नहीं, वो स्टाइलिश एग्जॉस्ट सिस्टम जो भी तुम देखे सुबह में, और बस ये गाड़ी के बारे में आपको क्वेश्चन है और दूसरे गाड़ियों के बारे में क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट नीचे, कमेंट करो नीचे, मैं आंसर करता हूँ। इंडियाज फर्स्ट ब्लूटूथ कनेक्टेड स्कूटर। Thank you for watching. Alone.